हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। देखिए भी लोग गाइज़ कैसा, सब लोग उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं ही बढ़िया हूँ। आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यारी कार लेके आए भाई। ये है किया सेल्टोस का एसटीके प्लस। अभी आप मॉडल देख रहे हो एसटीके प्लस, पेट्रोल में भी आप देख रहे हो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। आपको पता होगा कि किया सेल्टोस का फैसिलिटी, इसमें बहुत सारी चीज़ चेंज आई है। अभी एसटीके प्लस वेरियंट की बात कर रहे हैं, वो भी पेट्रोल में। तो आइए भाई फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़ वीडियो शुरू करते हैं, पहले वॉक अराउंड करवाता हूँ आपको मैं इसकी। फ्रंट से देख लीजिए कितनी प्यारी लगती है देखने पर, साइड से भी देख लीजिए एंड इस साइड से भी देख लीजिए कितनी अच्छी लगती है देखने पर। आइए साइड से भी दिखा दूँ आपको, ये रहा सा साइड प्रोफाइल। साइड से भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने पर। इंटीरियर से भी देख लीजिए, एंड ऊपर से भी देख लीजिए। अब फीचर हाईलाइट करते हैं फ्रंट में चल के। सो यहाँ पे फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है। पहले छोटी वाली आती थी, लेकिन अब ये फैसिलिटीज उसमें आपको बड़ी मिलती है। और साथ में यहाँ पर मैट फिनिश की डिज़ाइन मिल जाएगी, ग्लॉसी वाली नहीं आएगी, क्योंकि एसटीके प्लस में आपको यही मिलती है। ये कोई डीआरएल वगैरह नहीं है, आप सोचो कि ये डीआरएल है, इसमें डीआरएल नहीं है। तो सिल्वर कलर की डिज़ाइन दे रखी है इसके एसटीएक्स मॉडल में। यहाँ पर लाइट आती है, आधी डीआरएल आपको इधर देखने को मिलती है। चलो मैं ये दिखाता हूँ, अपने इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, एलईडी डीआरएल्स आपको यहाँ से यहाँ तक की देखने को मिल जाती है। प्रोजेक्टर में हेलोजिन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक के लाइट के साथ अंधेरे को सेंस करते चालू जाते हैं। नीचे की तरफ फॉग लैंप मिल जाते हैं। आगे फ्रंट में चार पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिलते हैं, एंड सेल्टोस भी आपको लिखा मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी लगती है वो, तो लिखा मिलता नहीं तो प्लेट चला रखी है किया का न्यू लोगो। आपको कुछ तरीके का लगता है देखने पर, कितनी प्यारी लगती है भाई देखने पर किया सेल्टोस फेसलिफ्ट एसटीके प्लस। आपको मैं दिखा रहा हूँ, साइड से भी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, काफ़ी लंबी है इस गाड़ी। वायरिंग की बात करें, इस वायरिंग को इलेक्ट्रिक एड्स, इलेक्ट्रिक फोल्ड, एलईडी टर्न एंड हेलो टायर। प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर आपको 205/60R 16 इंची के आपको इसके अंदर टायर प्रोफाइल मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छे हैं भाई टायर्स के। एंड यहाँ पे आपको उसमें हाइपर मेटेलिक अलॉय व्हील मिल जाएंगे, ऑल डिस्क ब्रेक के साथ में। पीछे भी डिस्क ब्रेक, आगे भी डिस्क ब्रेक, क्रोम डोर हैंडल इसमें नहीं आएंगे, नॉर्मल ही हैं। और गाइज एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपको अजमेर, अभी मैं अजमेर के किया के अंदर हूँ, अगर आपको अजमेर के किया में कोई सी भी गाड़ी चाहिए तो आप, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप जाके सेल्समैन से कॉन्टैक्ट करके आप गाड़ी ले सकते हो किया की कोई सी भी। सो गाइस फटाफट से फीचर हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर आपको एक पिलर, यहाँ पर दोनों पिलर आपको ब्लैक ग्लॉसी में देखने को मिलते हैं। सिल्वर फिनिश की रूफ रेल्स मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना के साथ, सनरूफ नहीं आता इस मॉडल में। फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 50 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इसके अंदर। रियर की बात है तो ये आपको हेलोजन टेल लैंप से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट्स मिल जाती है, रिवर्स लाइट यहाँ है, ये रिवर्स लाइट है। चार पार्किंग सेंसर, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, सिल्वर फिनिश की डिज़ाइन। यहाँ पर अपना वाइपर डिफॉगर्स, अपने हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर अपना इधर है, एंड रिफ्लेक्टर्स आप देख सकते हो नीचे की तरफ। बूट स्पेस की बात करें तो हाँ, कैमरा भी आपको इस तरफ देखने को मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो 433 लीटर्स का बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिलता है, पार्सल ट्रे के साथ। यहाँ पर एक लाइट मिल जाएगी, यानी इस तरफ ऐसा फोल्ड करेंगे, यहाँ पर आपको एक वाइपर 16 इंची का आपको इसमें स्टेपनी व्हील देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर हुक के साथ बंद कर देते हैं गाइस को, काफ़ी नए लुक के साथ किया सेल्टोस काफ़ी अच्छी लगती है। एंड रियर से मैं आपको दिखा देता हूँ, रियर का दरवाज़ा इतना वाइड खुलता है, उतरना चढ़ना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ से अपना कांच को आप ऊपर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से सिल्वर फिनिश की डिज़ाइन आपके यहाँ पर देखने को मिल जाती है, सनशेड आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारी चीज़ है भाई, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। धूप सा बजाता है, यहाँ पर कोई सॉफ्ट टच नहीं। एंड यहाँ पर स्पीकर प्लेसमेंट, बोतल होल्डर, एंड रियर से कुछ तरीके की लगती है। आइए अंदर ही चल के फीचर हाईलाइट करते हैं। अंदर से कुछ तरीके की लगती है देखने में, काफ़ी अच्छी लगती है भाई गाड़ी। आगे से देखो जरा इसको, कितना प्यारा लगता है इसका इंटीरियर। एसटीके प्लस पेट्रोल में भी आप देख रहे हो, इसमें आईएमटी भी मिल जाता है, डीजल आईएमटी इसके अंदर।
एंड पीछे की बात करें तो थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा, फैब्रिक में सीटें मिल जाती हैं, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा, नीरू में भी कोई कमी नहीं आने वाली। यहाँ पर आपको दो एसी वेंट्स मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, एंड फोन यहाँ पर रख सकते हैं, रख के आप चार्ज कर सकते हो। पीछे की तरफ कोई मैगजीन होल्डर नहीं मिलते, दोनों में ही 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर आते हैं। यहाँ पर आपको फोल्डेबल ग्रिप हैंडल एंड हुक मिल जाता है, इस तरफ अपने ही एक प्यारी सी हैलोजन में लाइट मिल जाती है। एंड रियर की बात करें तो यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, हेडरेस्ट भी फिक्स्ड हैं, एंड जो सीट कंफर्ट है काफ़ी अच्छा लगा गाइस मुझे इसका, भले फैब्रिक है लेकिन काफ़ी अच्छी सीटें हैं इसकी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और आगे से कुछ इस तरीके की लगती है देखने पर, कितनी प्यारी लगती है भाई। अब चलते हैं गाइस, पीछे मैंने सारी चीज़ें बता दी, अपन आगे चलते हैं। एंड जाते वक्त ये बता दूँ, यहाँ पर आप सीट बेल्ट के लीवर ऊपर या नीचे भी कर सकते हो। चलो गाइस अपन आगे चलते हैं। देखो सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें स्मार्ट कीज आती हैं। आगे का दरवाज़ा इतना वाइड खुलता है, उतना चढ़ना वेरी इजी। इसके अंदर सिल्वर फिनिशिंग डिज़ाइन मिल जाती है, यहाँ से ओआरएम कंट्रोल आप यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रिकली, एंड यहाँ पर अपना चारों पार विंडो कंट्रोल एंड वन टच अप एंड वन टच डाउन आपको इसमें देखने को मिलता है, ये देख लीजिए एन टी पी सी के साथ। यहाँ पर सॉफ्ट टच नहीं मिलता, पूरा ब्लैक है। यहाँ पर अपना डिज़ाइन मिल जाएगी स्पीकर की प्लेसमेंट, बोकल होल्डर, ट्विटर यहाँ मिल जाएगा, 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स मिलते हैं इसके अंदर। फैब्रिक में ब्लैक कलर की सीटें मिलेगी यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हो 2-स्टेप मैनुअल सीट आपको इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल एंड एडल स्टार स्टॉप का स्विच मिल जाएगा, एंड यहाँ से हेडलैम्प के लीवर ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इंजन स्टार स्टॉप का स्विच ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर काफ़ी अच्छा लगता है, एंड यहाँ से अपना फ्यूल टैंक खोल सकते हो, यहाँ से बोनट भी ओपन कर सकते हो। चाबी की बात करें तो इसमें चाबी काफ़ी स्टाइलिश मिलती है आपको, कि यहाँ पर अपना लोग अनलोग होल्ड करके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, होल्ड करके पीछे का टेल गेट ओपन कर सकते हो, एंड किया की बैजिंग पीछे मिल जाती है। एक मिनट गाइस, इसकी ऐसी क्या हवा कम कर दी, एक मिनट गाइस मैं सारा सेट कर रहा हूँ इसको। तो इस कुछ तरीके का लगता है इसका प्यारा सा इंटीरियर, काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी अंदर से देखने पर मुझे पर्सनली, इसका ये मॉडल मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई, देखो कितना प्यारी लग रही है। देख लो आपको मैं एक बार ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए अंदर से भी। चलो भाई फीचर हाईलाइट करते हैं, गोल्ड स्टेयरिंग आपको इसमें देखने को मिलता है, भले ही लेदर अपनी लेकिन पकड़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, स्टेयरिंग की बात ही कर रहे हैं पहले, तो स्टेयरिंग आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है इसमें, किया की न्यू बैजिंग, वॉइस कमांड के कंट्रोल मिल जाएंगे, क्रूज़ कंट्रोल एंड MID के कंट्रोल्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। MID कंट्रोल यहाँ है, एंड ये क्रूज़ कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं, किया की बैजिंग, वाइपर से कंट्रोल, लाइट से कंट्रोल, ऑटोमेटिक लाइट इसमें आपको देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको ना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें देखने को मिलता है, ऑटो स्टॉप यानी कि एड्रेस स्टॉप का आप जो भी यहाँ पर दे सकते हो, ये अपनी ट्रिप वगैरह आप दे सकते हो इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है, एंड यहाँ से अपनी माइलेज वगैरह भी देख सकते हो, ड्राइव इन्फॉर्मेशन वगैरह सेटिंग्स में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए काफ़ी सारी सेटिंग्स, लाइट डोर वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाती है, एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आप इसमें देख सकते हो, एंड पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें देखने को मिलता है, जो काफ़ी प्यारा लगता है भाई पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 8 इंचज का इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल जाता है, पहले थोड़ा सा यहाँ ऊपर से आया करता था, लेकिन अभी उन्होंने बहुत प्यारा सा बनाया, छोटा सा प्यारा सा, जिसमें बोनट भी आपको पूरा विजिबल आसानी से हो जाता है, एंड यहाँ पर ये 8 इंचज का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, वायरलेस एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले सब सपोर्ट करता है भाई, ये काफ़ी अच्छा है, इसका रिस्पॉन्स है भाई, अपनी किया सोनेट में भी सेम ऐसा ही आता है। ब्लूटूथ वगैरह आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ रिवर्स कैमरे की क्वालिटी दिखा दूँ, गाइडलाइंस के साथ ही आता है, काफ़ी अच्छा लगता है, गाइडलाइंस के साथ ही आता है। इसके कंट्रोल भी आपको यहाँ मिल जाते हैं, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिलता है, हैजलाइट का स्विच इसमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पर स्पेस मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB पोर्ट, फास्ट चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर अपना पकड़ सकते हो भाई यहाँ से भी आप, एंड यहाँ पर आपको 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आगे की जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है उनको ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हो। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश डिज़ाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट, बड़ा सा स्पेस, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की यहाँ पर भी आपको डिज़ाइन मिल जाती है, पूरी यहाँ से यहाँ तक जारी, काफ़ी अच्छी लगती है देखने पर। यहाँ पर आपको नॉर्मल क्लब बॉक्स मिल जाता है, ऊपर की तरफ डे नाइट IL IRBM अपना, इस तरफ कुछ भी नहीं, इस तरफ छोटी छोटी सी प्यारी सी लाइटें हैलोजन में, एंड यहाँ पर सनग्लास होल्डर, एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है कांच, एंड यहाँ पर अपना फोल्डेबल ग्रैब हैंडल जो प्यारा है, काफ़ी प्यारा बंद होता है, एंड हैंड ब्रेक मिल जाता है। सो गाइस सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी, कोई सी भी चीज़ मुझसे छूट गई तो गाइस कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा,
गाइस देखिए बंद होने पर उस तरीके की आवाज़ निकालती है सेल्टोस। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आई होप कि गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस प्लीज़ भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और गाइस ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, लाइक करने में किसी का कुछ नहीं जाता। सो गाइस ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।